हेलो एवरीवन, इसके पहले के वीडियो में मैंने आपको टॉप 5 सीमेंट स्टॉक्स बताए थे जो आपको इन्वेस्ट करना चाहिए इस पर्टिकुलर सीमेंट स्टॉक्स में अगर आपको सीमेंट सेक्टर में इन्वेस्ट करना है फॉर योर पोर्टफोलियो। आज मैं आपको बताऊंगा टॉप 5 केमिकल सेक्टर के स्टॉक्स। केमिकल सेक्टर अब हम देख रहे हैं पिछले 3 महीने से काफ़ी अच्छे से रैली कर रहे हर एक केमिकल सेक्टर के स्टॉक्स, तो कौन से स्टॉक्स को चूज़ करना, कौन से स्टॉक्स में किस लेवल पर इन्वेस्ट करना, उस लेवल्स के हिसाब से, उस कह सकते हैं कंपनी के फ्यूचर के हिसाब से, कंपनी के फंडामेंटल्स के हिसाब से, जो टॉप 5 स्टॉक्स मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहला बाय डिफॉल्ट यहाँ पे पिडिलाइट इंडस्ट्री बेहतरीन स्टॉक है केमिकल सेक्टर का। सेकंड स्टॉक में रेकमेंड करूंगा बाय डिफॉल्ट टाटा केमिकल्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक व्हीकल। तीसरा जो स्टॉक मैं बाय डिफॉल्ट यहाँ पे सजेस्ट करूंगा वो है बालाजी अमाइंस, जो पिछले एक साल में कह सकते हैं ट्रेमेंडस रैली दिया है और पिछले एक महीने में तो कह सकते हैं एक्सपोनेंशियल वे की तरह ये स्टॉक ऊपर गया है। चौथा मैं सजेस्ट करूंगा दीपक नाइट्रेट, जो पिछले 3 महीने से काफ़ी अच्छे से मोमेंटम में आया है। और फिफ्थ स्टॉक मैं यहाँ पे सजेस्ट करूंगा वो है आपका एशियन पेंट्स। एशियन पेंट्स अगेन पिडिलाइट इंडस्ट्रीज़ की तरह बेहतरीन रैली दे रहा है इस समय, तो ये टॉप 5 स्टॉक्स मैं सजेस्ट करूंगा जो केमिकल सेक्टर को बिलोंग करते हैं, जो कह सकते मल्टीवैगल स्टॉक्स भी कह सकते हैं क्योंकि एशियन पेंट्स अगेन पेंट सेक्टर केमिकल सेक्टर दोनों में आता है। तो टॉप 5 केमिकल सेक्टर के स्टॉक्स या फिर टॉप 5 मल्टीवैगल स्टॉक्स भी कह सकते हैं, इसे अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड कीजिए, अपना पोर्टफोलियो 2021 का और भी बेहतरीन बनाइए। आने वाले वीडियोस में और ऐसे टॉप 5 स्टॉक्स बताऊंगा किसी और सेक्टर का जिसमें आपको अपनी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में या फिर पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन में हेल्प होगी। थैंक यू।